आज का हमारा विषय है वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, गैस का के प्रसारण में किया गया कार्य। हम कल्पना करते हैं कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उस पर एक घर्षण रहित गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। गैस का प्रारंभिक आयतन V1 तथा उस पर लगने वाले बाहरी दाब का मान P है तथा पिस्टन का क्षेत्रफल A है। जब आयतन का मान बढ़ता है तो पिस्टन बाहर की ओर चलेगा और इस पर गैस कार्य करेगी, किंतु ये तभी होगा जब गैस का दाब बाहरी दाब से अधिक होगा। यदि पिस्टन स्थिर है तो उस अवस्था में गैस का दाब पिस्टन पर बाहरी दाब के बराबर होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो बल है वही दाब कहलाता है। अतः दाब को हम बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। जब गैस का अनंत सूक्ष्म प्रसारण होता है तो इस प्रकार पिस्टन का अनंत सूक्ष्म स्थानांतरण dl दूरी पर होता है बाहर की ओर। कार्य की गणना बल और इस दूरी के द्वारा की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि अनंत सूक्ष्म आयतन बढ़ने से कार्य भी अनंत सूक्ष्म होगा, जिसे हम dw से दर्शाएंगे। dw का मान बराबर होगा f.dl के, यहाँ पर f बल है और dl उसकी आयतन में परिवर्तन होने पर तय की गई दूरी है। तो f इसकी इस तरह से भी लिखा जा सकता है p.a.dl, a.dl a यानी क्षेत्रफल और dl यानी तय की गई दूरी, इन दोनों का गुणनफल आयतन के बराबर होता है, इसलिए dw बराबर p∆v लिखा जा सकता है। dv ही अनंत सूक्ष्म आयतन की वृद्धि है। कोई भी आदर्श गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रसारण कार्य करती है और इसका आयतन V1 से V2 तक चेंज होता है, तो यह कार्य इसी समतापीय प्रसारण में होने वाले कार्य को दर्शाती है। यदि आयतन बढ़ने की अवधि में प्रत्येक क्षण दाब बदलता रहता है तो कुल कार्य उन समस्त PdV पदों के योग के बराबर होगा, जिसमें P का अलग अलग मान होगा। दाब अलग अलग होने के कारण गैस का आयतन V1 से V2 में परिवर्तित होता है। क्योंकि P और V तंत्र के निश्चित गुण हैं और dV एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो PdV पदों का योग एक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के रूप में दिया जा सकता है, यानी कि किया गया कुल कार्य उन सभी सूक्ष्म दाब परिवर्तन पर होने वाले कार्यों के योग के बराबर होगा, जिसमें कि प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो एक सिस्टम की हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और या फिर एनवायरनमेंट में कार्य करने के काम में आती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो लगाया गया दाब है वो भी कांस्टेंट होगा और जो वर्क डन है यानी किया गया कार्य है वो p∆v के बराबर होगा। ये सब मैं आपको पूर्व में अभी समझा चुकी हूँ। ये कर्व आयतन परिवर्तन दर्शा रहा है स्थिर दाब पर। यहाँ पर दाब का जो मान है वो A से बी के मध्य कांस्टेंट रहता है और आयतन का मान V1 से V2 तक परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो किया गया कार्य है उस कर्व के अंदर दर्शाए गए क्षेत्रफल, जो कि हमने सफ़ेद कलर से दर्शाया है, किए गए कार्य को बताता है। इन थर्मोडायनामिक्स
जब गैस ए स्टेट से बी स्टेट में जाती है, यानी कि जो आयतन है वो V1 से V2 हो जाता है, तो किया गया कार्य समाकलन V1 से V2 लिमिट्स के बीच में होगा। और ये PDV यानी कि सभी सूक्ष्म दूरी तक किए गए कार्य का समाकलन हम इस तरह से दर्शाएंगे। एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में यह इंटीग्रल ए और बी कर्व के अंदर जो एरिया है उसके द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे कि हमने सफ़ेद पार्ट के द्वारा दर्शाया है। यहाँ पर दाब का मान ए से बी तक चेंज हो रहा है और आयतन का मान भी V1 से V2 तक परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर P का मान हमने P=nRT/V रखते हैं एक आइडियल गैस के लिए, जहाँ पर तापमान का मान कांस्टेंट है। अधिकतर जो मशीनें हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जैसा कि एक लाइट बल्ब जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है, कार का इंजन केमिकल एनर्जी को काइनेटिक और हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है, और यह ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को भी दर्शाता है। द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी दैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। आवर बॉडी लॉसेस इंटरनल एनर्जी। देयर आर 3 प्लेसेस दिस इंटरनल एनर्जी कैन गो टू हीट ट्रांसफर, टू डूइंग वर्क एंड टू स्टोर्ड फैट। यानी हमारी बॉडी से जो इंटरनल एनर्जी है उसका लॉस या तो कार्य करने में होता है, या वो फैट के रूप में इकट्ठा होता है, या फिर हीट ट्रांसफर के रूप में होता है। आवर बॉडी प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। जो मानव शरीर है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि बॉडी फैट को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बॉडी के ऊपर कार्य नहीं किया जा सकता और हीट ट्रांसफर बॉडी के अंदर नहीं किया जा सकता, और फैट को वापस से हीट में और हीट को वापस से फैट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है।